सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टेन रिंग्स और मैंडरिन के बारे में। वेल इसे लेकर अपडेट और किसी ने नहीं बल्कि केविन फ्राइगी ने दिए हैं। वेल तो क्या है वो डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने मैंडरिन को आयरन मैन 3 फिल्म में देखा था, जिसमें मैंडरिन का रोल और किसी ने नहीं बल्कि बेन किंग्सलर ने किया था। लेकिन फैंस, उस फिल्म में जिस तरीके का अलग वर्जन मैंडरिन का दिखाया गया था, वो चीज सभी लोगों को पसंद नहीं आई थी। जिसके बाद खुद केविन फैगी ने आगे आकर ये बताया था कि ये मैंडरिन कॉमिक बुक का वो असली मैंडरिन है ही नहीं, जिसने कॉमिक बुक में आयरन मैन की नाक में दम कर रखा था। यानी पॉसिबिलिटी है मैंडरिन जैसा खतरनाक विलन अब भी एमसीयू के यूनिवर्स में है, जिसके सिर्फ और सिर्फ हमें अब तक रेफरेंस ही देखने मिले हैं। तो अब आ जाते हैं उस कंफर्मेशन पर, जहां पर केविन फैगी ने ये टीज किया कि असल में मैंडरिन और टेन रिंग्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमें फ्यूचर में देखने मिलेंगे, लेकिन असली वाला मैंडरिन। वेल, केविन फैगी ने ये जवाब रेडिट यूजर को दिया था, जिसका नाम था जेंटलमैन गेयर जेंडर, जिसने केविन फैगी से सीधे सीधे यही पूछा था कि एमसीयू के यूनिवर्स में उन्हें रियल मैंडरिन और टेन रिंग्स देखने मिलेंगे या नहीं, जिसके जवाब में केविन फैगी ने सिर्फ लिखा हाँ। वेल तो ये काफी ज्यादा अच्छा अपडेट है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर सभी एमसीयू फैंस को ये बात पता होगी कि मैंडरिन और टेन रिंग्स का ज्यादातर तो सामना सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन से ही हुआ है, लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स में आयरन मैन फिलहाल तो अभी है नहीं। यानी अगर देखा जाए तो मैंडरिन का कैरेक्टर और टेन रिंग्स को फिर से अगर एमसीयू में लाने की प्लानिंग की जा रही है, तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मैंडरिन और टेन रिंग्स का सामना असल में आयरन मैन से नहीं तो फिर किससे होगा। खैर, तो अगर यहाँ पर थोड़ा अंदाजा लगाया जाए तो एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एक नया सुपर हीरो, जो कि असल में एक चाइनीज है, जिसका नाम है सेंची। क्योंकि कॉमिक बुक में सेंची के फादर, जिनका नाम था फू मैंचू, वो एक बहुत ही बड़े विलन है और उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन मैंडरिन से भी था। तो इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एमसीयू के यूनिवर्स में अगर मैंडरिन को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर सेंची के फादर की जगह फू मैंचू की जगह हमें मैंडरिन दिखाया जा सकता है। इससे एमसीयू के अंदर एक जबरदस्त पावरफुल विलन की एंट्री फिर से हो जाएगी। बट अब भी क्वेश्चन यहाँ पर ये बना हुआ है कि मैंडरिन का सामना असल में होगा किससे। तो आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म का भी ट्रेलर देखा होगा, जिसमें ज्यादातर तो एमसीयू की तरफ से यही टीज किया जा रहा है कि एमसीयू के यूनिवर्स में हमें नया आयरन मैन देखने मिलेगा, जिसकी जगह शायद स्पाइडरमैन ले, जो कि पॉसिबल है नहीं। जिसके बाद दूसरा हिंट सीधे सीधे चला जाता है हैरली के कैरेक्टर पर, जिसे हमने आयरन मैन 3 फिल्म में देखा था, और उन्होंने भी ये टीज किया है कि शायद हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में उन्हें आयरन लैड का रोल करने मिले, जो कि फिलहाल तो कॉमिक बुक में एक विलेन था, लेकिन फिल्म में कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में एमसीयू को जरूर पता है। इसलिए उसने रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स से हटा दिया, ताकि एमसीयू के फ्यूचर में और भी नए सुपर हीरोज की एंट्री हो सके। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है टेन रिंग्स और मैंडरिन को किस तरीके से एमसीयू के अंदर फिर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, वो भी एक परफेक्ट विलन के तौर पर। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।